नीचे रखो। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने किया अपने भारतीय युवा कांग्रेस के जो हमारी सीनियर लीडरशिप है निर्देश अनुसार, आने वाले समय में बेंगलुरु में कर्नाटका में 26-28 को एक महाअधिवेशन होने जा रहा है युवा कांग्रेस का। वहाँ पर आज से एक महीना पहले हैदराबाद में तेलंगाना में हमारी एक नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई थी, जिसमें हमने अगले आने वाले 6 महीने लोकसभा चुनावों को लेकर कुछ मुद्दे तैयार किए थे, जिस पर इस मोदी सरकार को हमने घेरने का और लोगों की आवाज़ उठाने का हमने यहाँ प्रण लिया। आने वाले टाइम में आपने देखा होगा कि जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तब वहाँ बोला गया था, हर मंच पर मोदी जी द्वारा बड़े छाती चौड़ी कर करके बोला गया था कि हम जब सत्ता में आए तो हर साल नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे और 15-15 लाख लोगों के अकाउंट में डालेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे इन्होंने ऐसे स्लोगन दिए थे। लेकिन आपने क्या देखा है, लगभग पिछले 9 साल से इस देश में ये मोदी की सरकार सत्ता में है, आप देखो कितने लोगों को वहाँ रोजगार मिला, कितने नौजवानों को रोजगार प्राप्त हुआ। आप बताओ ऐसे कानून लाए गए यहाँ पर जिससे हमारे देश की आवाम का बहुत नुकसान हुआ। आने वाले टाइम में हम जो बेहतर भारत की बुनियाद एक प्रोग्राम जिसमें देश के हर कोने से लगभग 3,000 लोग अपने युवा साथी वहाँ भाग ले रहे हैं, उनके लिए एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि उन वॉलंटियर को बुला रहा है जो अपने अपने क्षेत्र में इस मोदी की सरकार के हर प्रदेश में जहाँ बीजेपी की सरकार है लोगों के लिए लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हमने उन सभी के लिए आज उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि आओ आप इस मुहिम का हिस्सा बनो, इस अधिवेशन में आओ और अपनी आवाज़ उठाओ। ये कश्मीर में सभी प्रदेश में, हम अकेला कश्मीर में नहीं, हिंदुस्तान के इस भारत के हर जिले में हर प्रदेश हेडक्वार्टर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं ताकि जो लोगों में एक भ्रम जाल बना हुआ है मोदी सरकार का कि हमने ये किया लोगों के लिए ये कर रहे हैं, जो वो सोशल साइट्स पर दिखा रहे हैं, अगर चवनी काम करते हैं 2.25 रुपये का काम दिखा रहे हैं, वो लोगों के दिखाना चाहते हैं कि आपकी चहेती सरकार जो लोगों को जुमले सुना सुना के सत्ता में आई थी, पिछले 9 साल से उन्होंने इस देश के लिए क्या किया, इन प्रदेश के लिए क्या किया, आप खुद बताओ जम्मू कश्मीर के कितने नौजवानों को सेंट्रल गवर्नमेंट में रोजगार मिला, आप खुद बताओ, आप मीडिया वाले हो जिन्होंने हमेशा देश की आज़ादी को के लिए देश के संविधान के बचाने के लिए आवाज़ उठाई है, इन देश के लोगों के लिए महिलाओं के लिए आप लोगों ने आगे बढ़कर आए और आगे बढ़कर आप लोगों ने आवाज़ उठाई, आप खुद बताओ कि किन लोगों को कितने नौजवानों को रोजगार मिला।